दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए चर्चित रंजीत हत्याकांड के मामले में मृतक के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से रंजीत पुल्लर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हत्याकांड में 18 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक महज 8 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि 18 जून को रंजीत की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शामिल बीजेपी के लोकेश पांडे सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि रंजीत हत्याकांड में 18 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 8 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है। परिजनों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में सभी शेष आरोपी के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। आज घटना को घटित हुए 39 दिन बीत गए हैं, इसके बाद भी शेष आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है और वो आजाद घूम रहे हैं, जिससे परिजनों को जान का खतरा बना हुआ है। परिजनों ने हत्याकांड की निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी राजनीतिक पकड़ रखते हैं और रसूखदार हैं। मामले की निष्पक्ष और गंभीरतापूर्वक जांच की जाए और सभी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए। ऐसे मरा है, जांच चाहिए हमको, बस पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले को हम लोग रिकॉर्डिंग भी निकाल के दिए, सब चीज दे दिए, तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। पुलिस वाले का फर्ज बनता है ना कि ड्यूटी कपड़ा पहन के बस बैठे हुए हैं वहाँ, अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। हम कुछ जांच नहीं कर रहे हैं, वो लोग बैठे हैं, बस जांच चाहते सर हम। जांच तो हो गई, मरने के बाद लड़के के पास फोटो खींचा जा रहा है, फोटो कहाँ भेजा जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है कि कहाँ भेजा जा रहा है, वही चीज़ की बस जांच चाहिए हमसे। थाना घेराव करेंगे सर हम लोग, थाना घेराव करेंगे और क्या करेंगे। सिंह है, रंजीत सिंह मेरा भांजा लगता था, एक ही एक भांजा था मेरा, जो इन दरिंदों ने जो छीन लिया है मेरा भांजा, है ना। तो मैं शासन से ही मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसमें, है ना। कार्रवाई इसमें वीडियो में कम से कम 18 से 20 लोग दिख रहे हैं, आप लोग को वीडियो दे दिया हूँ मैं, है ना, आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा और केस में पूरा वीडियो चलाइएगा सर, आप लोग से ही निवेदन है। और शासन से मैं ये मांग करता हूँ कि जो पीटर है, ये पता चला है कि 4.5 लाख रुपए लोकेश पांडे दिया है उसको, है ना, ये सब कराने का, रंजीत को घर से बुलाने का, है ना, ये पता चला है, रिकॉर्डिंग में निकलवाया हूँ मैं, और दारू पिलाए हैं, बहुत नशा करवाए हैं उसको, है ना। उसके बाद वहाँ से उसको इसकी मम्मी फ़ोन भी लगाई थी कि बेटा 10:30 हो रहा है, घर आ जा करके, तो बोलता है मम्मी मैं आ रहा हूँ ना, तो पीटर उसको वहाँ रोक लिया, ऐसा पता चला है वहाँ से। और शासन से ही मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इसमें इनको सजा होनी चाहिए। हमारी मांग तो ये कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा और किसी का बच्चा ना जाए अब, है ना। और ये इनका काम ही है ना, मारना काटना, इन लोग का इनकी जांच करवाइए पुलिस थाना SP ऑफिस में, आप एक बार देखिए, पूरे अपराधी इन लोग ना, एक केस दर्ज नहीं इनके नाम से, बहुत से केस दर्ज है। कोई दुश्मनी नहीं सर, कोई दुश्मनी, लोकेश पांडे को जानता भी नहीं रंजीत। ये तो प्रशासन पुलिस से मांग करते हैं कि इसका जांच करें, और वो टीपू नाम का शख्स जो है लड़का, उसको उठाए रिमांड में ले तो सब बकेगा। रिकॉर्डिंग में एक दोस्त है, वो सब चीज पूछ रहा है उसको, तो बताया है, रिकॉर्डिंग में आपको दे देता हूँ एक रिकॉर्डिंग। टीपू बता रहा है कि लोकेश पांडे 4.5 लाख रुपए दिया था पीटर को, इसलिए रंजीत को मरवाने के लिए। पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं थाने गया तो सर ने ये बोला कि इसके रंजीत के हत्याकांड में नहीं पकड़ा गया है, ये दूसरे मामले से पकड़ा गया है, वो और कुछ छीना छपटी कुछ किया उसका मामला, लड़ाई झगड़ा का उसने पकड़ा गया है, तो मैं वहां से वापस आ गया। रंजीत हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहानी बयां कर रहा है, जिसे परिजनों ने पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का सहारा लिया है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए इन बिंदुओं पर किस तरह कार्य करती है और कब तक परिजनों द्वारा बताए गए 18 से 20 आरोपियों को हिरासत में ले पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।